तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 एमएम ऑफ मर्क्यूरी एट 373 केल्विन। तो देखो ये जो आपको वैल्यू दी है ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना 750 एमएम ऑफ एचजी। तो इसी टेम्परेचर पे 373 केल्विन टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर होगा, जिसे हम पीनोड बोलते हैं, वो कितना जाएगा 180 यानी कितना 760 mm of Hg। ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ये आपको समझने की जरूरत थी कि जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो 180 यानी 760 mm of Hg होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है तो लगा दो रिलेटिव क्लोरीन ऑफ वेपर प्रेशर P0 - PS / P0 = mole fraction of solute। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ रखो। P0 आपको दे रखा है 760, उसमें से 750 को आप सब्ट्रैक्ट करो, अपॉन कितना नीचे P0 यानी 760 व्हिच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकालना है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया 10/760 यानी 1/76, ऐसा जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर तीन कौन सा हो गया, ये फोर्थ हो गया, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर होगा।